है दांत का उल्टा चश्मा। बड़े भाई अभी तक पता नहीं चला पार्सल किसका है। अरे नहीं ना, पर अब्दुल ये तो पता चल गया कि ये कोई डिलीवरी बॉय नहीं है, स्कैमर है स्कैमर। अरे मैं कोई स्कैमर अमर नहीं हूँ, मुझे प्लीज जाने दीजिए। ये पार्सल मैं कंपनी में वापस करके बोल दूंगा कि गलत एड्रेस था। ओए एड्रेस गलत नहीं है, तू बंदा गलत है। हाँ अरे अब बहुत हो गया, अब मैं पुलिस को बुला के आता हूँ। अरे छोड़िए। अरे यार सू करेज। सॉरी भाई, आप इस तरह से इसके पीछे क्यों भाग रहे हो? ओहो बबीता जी, ये स्कैमर इसी के लायक है। वो ये हमारी सोसाइटी के भोले भाले लोगों को ओटीपी के बहाने लूटने आया था। नहीं 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 नहीं। ओह माय गॉड, फिर से स्कैम। हाँ सुबह मुझसे ओटीपी मांग रहा था। अरे डिलीवरी करने के लिए ओटीपी मांग रहा था मैं। रोशन ये पक्का ओटीपी स्कैम करने वालों के गैंग में से लगता है। अरे मैं तो बस डिलीवरी करने के लिए ओटीपी मांग रहा था, आप लोगों को कैसे यकीन दिलाऊं कि मैं कोई गैंग मैन से नहीं हूँ, प्लीज मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा जाने दो यार। अरे कैसे विश्वास करें तुम्हारा छोटू, तुम्हारे कहने पर हम लोग सोसाइटी के हर घर में गए, सबको पूछा कि पार्सल उनका है कि नहीं है, तब ने मना कर दिया। यहाँ तक के सोसाइटी में अभी जो नहीं है जो काम पे गए उनको भी फोन करके पूछा, उन्होंने भी मना कर दिया। अंकल आपने पापा को फोन करके पूछा? हाँ जेठा को फोन किया था मैंने, उसने मना कर दिया। और नट्टू काका और बागा भाई को पूछा? उनको क्यों पूछना था? मेरे अंकल कोई कोई कंपनी गिफ्ट या पार्सल दुकान में नहीं सीधा घर पे भेजते है, और कई बार तो पापा को भी नहीं पता होता कि पार्सल आया है। आप एक बार नट्टू काका और बागा भाई को पूछिए। अच्छा चलो ये भी ट्राई करके देखते। बोल भिड़े अब क्या है? हाँ जेठा जरा वहाँ पे नटू का बाघ है तुमको फोन देना। क्यों? अरे भाई काम है उनसे। अरे उनका काम है तो उनके फोन पे फोन करने का ना भाई, मेरे फोन पे फोन क्यों किया? और सुन भाई अभी फोन मत करना, रात को वो लोग दुकान बढ़ा ले उसके बाद फोन करना, ठीक है? अरे दो ना भाई फोन जेठालाल, वैसे भी यहाँ पे ये पार्सलों को लेकर दिमाग खराब हो गया है। कौन सा पार्सल? अरे वही पार्सल जिसके लिए तुमको मैंने फोन किया था पूछते ही लेकिन तुम्हारा है कि नहीं। अरे तो वो तो मैंने तुम्हें बताया ना भाई कि वो पार्सल मेरा नहीं है। अभी क्या वकील को बुला के स्टैम्प पेपर के लिख के नोटरी करके तुझे दूं तभी मानेगा कि पार्सल मेरा नहीं है? अरे जेठालाल मैंने तुम्हें पार्सल के बारे में पूछने के लिए फोन किया ही नहीं है भाई। तो क्या अभी नटू का कर भगा से पूछना कि वो पार्सल उनका है कि नहीं? हाँ। अरे तू कहीं भेड़ा भीड़ा साला इसका है, उनका पार्सल गोकुलधाम सोसाइटी के एड्रेस पर क्यों आएगा भाई? अरे तसन जेठालाल टप्पू ने मुझे अभी बताया कि कभी कभी कंपनी वाले तुम्हें जो गिफ्ट भेजते हैं वो तुम्हारे घर के एड्रेस पे भेजते हैं। तो मुझे नटुका और बागा से ये पूछना था कि कोई कंपनी वाले ऐसा कोई गिफ्ट भेजने वाले थे? अरे कोई कंपनी वाले अगर मुझे गिफ्ट भेजते तो पार्सल के ऊपर मेरा नाम या गड्डे इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम लिख के भेजते, खाली गोकुलधाम सोसाइटी लिख के थोड़ी भेजते। अरे एक बार पूछ लो ना जेठालाल। भगवान तू नहीं माना। अच्छा ठीक है भाई, देखे फोन स्पीकर पे रख के तेरा सामने पूछता हूँ, सुन ले ठीक है? अरे नटू काका बागा। हाँ बोलिए। अरे हाँ बोलिए क्या, इधर आइए ना भाई। जी 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 जी।
कोई कंपनी से हमारे लिए पार्सल में कोई गिफ्ट आने वाली थी? कौन सी कंपनी से? क्या गिफ्ट? मतलब नहीं आने वाली थी ना? जेठालाल, जेठालाल, तुम उनको हिंट मत दो। हाँ, क्या हिंट? तुम अगर उनको ऐसे पूछोगे कि गिफ्ट नहीं आने वाली थी ना, तो ना ही बोलेंगे। तुम उनको ऐसे पूछो कि गिफ्ट आने वाली थी ना। अच्छा, मैं ऐसा पूछू, गिफ्ट आने वाली थी ना, मतलब तू जबरदस्ती उनके मुंह से हाँ बुलवाना चाहता है? नहीं नहीं, मैं क्यों जबरदस्ती हाँ बुलवाऊं? हाँ तो कंपनी से कोई गिफ्ट आने वाली थी, वो तो मैं पहले ही पूछ चुका हूँ, तो तूने सुना ना? बागा ने बोला कौन सी कंपनी से, और मैंने पूछा क्या गिफ्ट? सुना ना, अभी वापस उन दोनों ने ही बोला। तो इससे जाहिर सी बात है कि कोई कंपनी से मुझे पार्सल में कोई गिफ्ट आने वाली नहीं थी। ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। भाई जेठा ने फिर से कंफर्म कर दिया है कि ये पार्सल उसका नहीं ही है। अब सिर्फ एक ही तरीका बचा जिससे पता चल सकता है कि असली डिलीवरी वाला है या नहीं। क्या 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 कैसे? क्या इसके लिए ये पार्सल खोलना पड़ेगा। इसे खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। अगर ये असली डिलीवरी वाला हुआ तो इसमें कोई ढंग का सामान निकलेगा, और नहीं तो पत्थर निकलेंगे। अगर पार्सल खुला तो कंपनी मेरे पगार से पैसे काट लेगी। तो मैं दे दूंगा पैसे। पोपट भाई, आप पैसा देंगे? नहीं, सोसाइटी फंड से देंगे। सोसाइटी फंड से क्यों? पर सोसाइटी का नाम लिखा है तो सोसाइटी फंड से ही देंगे ना। हे भगवान, अब क्या होगा? क्या होगा? पता नहीं, मुझे पता है। अरे मुझे पता चल गया, इसमें क्या है? क्या 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 क्या, क्या? इस बॉक्स में पेड़े हैं। पेड़े पेड़े हा? और वो भी ऐसे वैसे नहीं, स्पेशल है, स्पेशल स्पेशल। एक मिनट एक मिनट बेटा, एक मिनट खोलने तो दे। खोलिए ना जल्दी पोपटा, काल खुल गया, खुल गया। एक मिनट, इसमें चिट्ठी है और हाँ पेड़े भी है। नहीं नहीं, एक मिनट रुक बेटा, रुक भेड़े पर आपको पकड़। इसमें तो सुंदर का नाम लिखा है। ये? ओ! सुंदर मामा, सुंदर मामा, सुंदर अपने सुंदर भाई। अरे सुंदर भाई, इसका मतलब है कि ये बॉक्स सुंदर ने भेजा है। पोपड़े का चिट्ठी पड़ी है ना? हाँ, मेरे प्यारे गोकुल धाम वासियों, ये पेड़े आप सभी के लिए है। मेरी प्यारी बहना आप सभी के लिए प्रार्थना करने मंदिर गई थी, ये उसी मंदिर का प्रसाद है। और हाँ, एक खुशखबरी है, बहना बहुत जल्द वापस आने वाली है सोसाइटी में। आप सब प्लीज आपस में प्रसाद बांट लेना। अरे वाह वाह वाह, अरे दया भाभी आ रही है। सुंदर बाबा ने पेड़े भेजे, वाह। नहीं मतलब सुंदर मामा ने सबको याद रख के प्रसाद भेजा, वाह थैंक यू सुंदर मामा। आपकी दया भाभी आ रही है, वाह क्या मस्त खबर है। हाँ तो भाई छोटू, अभी पता चल गया कि ये पार्सल हमारा ही है तो हम लोग रख लेते हैं। अरे नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, ये मैं आपको ओटीपी के बिना नहीं दे सकता। अरे अरे ऐसे कैसे नहीं दोगे आप बॉक्स? ये पेड़े मेरे हैं।
बेबी ए हमारे है। हाँ अरे बोलने से क्या होता है ये? ओटीपी के बिना पार्सल नहीं दूंगा वरना कंपनी मुझे नौकरी से निकाल देगी। ओटीपी 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 अभी तुझे देने के लिए कहां से लाए ओटीपी? वही तो। ओए लस्सी मांगता तो अभी लुढ़क के दे देता। एक काम करते हैं, सुंदर भाई को फोन करके पूछ लेते हैं कि उन्होंने डिलीवरी के लिए किसका मोबाइल नंबर दिया था। गुड आइडिया। माइंड ब्लोइंग आइडिया है मम्मा। टप्पू जल्दी कॉल कर भाई जल्दी। चेपी, चेपी। हाँ लगाता हूँ। हाँ। और फोन स्पीकर पे रखना बेटा। अरे कॉल तेरी मोबाइल में चिल्ला चिल्ला कर मेरा गला बैठ गया। किसका फोन है भाई? माय डियर भांजे का फोन। हेलो माय डियर भांजे टप्पू, ये मामा को आज कैसे याद किया? अरे सुंदर मैं आज पर तुकरा भिड़े बोल रहा हूँ। भिड़े भाई आपने गोकुलधाम सोसाइटी के सेक्रेटरी पद से इस्तीफा दे दिया? कौन बोला? कौन बोला? मेरी तरफ क्या देख रहा है? सुंदर मामा वही बता रहे हैं। उनको ऊपर तो लीजिए। हाँ सुंदर कौन बोला तुम्हें? मैं बोला। अरे आपने नाम के पहले गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं उस सेक्रेटरी ऐसा बोला, नहीं तो मुझे लगा कि आपने इस्तीफा दे दिया। ओह अरे नहीं नहीं मैं आत्मा तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मैं उस सेक्रेटरी ही बोल रहा हूँ। ये हुई ना बात। क्या बात है, आपको पार्सल मिल गया? हाँ पार्सल मिल गया भाई सुंदर, लेकिन तुमने उस पार्सल पे किसी का नाम क्यों नहीं लिखा? पार्सल पे किसी का नाम नहीं लिखा? वो पार्सल भेजने के लिए तो मैंने भैलू को बोला था, वो मेरे बाजू में ही है, मैं उसको पूछ लेता हूँ। भैलू भैया भाई पूछ रहे हैं कि तूने जो प्रसाद वाला पार्सल भेजा उसके ऊपर नाम क्यों नहीं लिखा? बस सोच समझ के नहीं लिखा है। मतलब आप स्पीकर पे डालिए मैं समझाता हूँ। यालो भिड़े भाई वो प्रसाद क्या सबके लिए है ना, इसने पूरी सोसाइटी का नाम लिखा है। वाह क्या बात है, अरे किसी एक का नाम लिखता तो गलत हो जाता है। बराबर है बराबर है, वाह भिड़ो वाह। और भिड़े भाई आपको खुशखबरी पता चली ना? माय डियर बहना गोकुलधाम सोसाइटी में चल जाने वाली है। हाँ चली चली सबको पता चली। हाँ हाँ पता चला हमें। सुंदर भाई आप हमेशा यही बोलते हो कि दया भाभी आने वाली, पर ये तो बोलो कि दया भाभी कब आएगी? हाँ एकदम जल्दी। जल्दी से भी एकदम जल्दी, सुपर डुपर जल्दी। सुन लिया ये पार्सल हमारा, ये लाइए लाइए। ऐसे कैसे बिना ओटीपी के नहीं दूंगा पार्सल। अरे हाँ सुंदर वो पार्सल के लिए ओटीपी लगेगा, तो तुमने किसका मोबाइल नंबर दिया हुआ है? भिड़े भाई आपका ही नंबर दिया था, आप सोसाइटी का सेक्रेटरी हो ना। इसका मतलब ओटीपी तेरे ही मोबाइल पे आया होगा। पर सर आपका दूसरा नंबर तो बंद है। दूसरा नंबर? बिड़ू तूने दूसरा नंबर लिया और मैनू नहीं बताया? तूने पल में पराया कर दिता। अरे मैंने कोई दूसरा नंबर नहीं लिया भाई, ये पोपो डालने दिलवाया है। पोपो? अरे भाई हमने ये पार्सल वाले को रोकने के लिए सिर्फ नाटक किया था। क्या आप लोगों ने मुझसे झूठ बोला? क्या हुआ मिला ओटीपी? फिर अंकल जल्दी से पेड़े दीजिए ना। मतलब पेड़े के लिए ओटीपी दीजिए ना। अरे तो चेक तो कर दो पहले गोड़िया। ये पकड़ो जरा, ये पकड़ो। अरे सुंदर कोई ओटीपी नहीं आया भाई। भैलू तूने भिड़े भाई का नंबर तो बराबर दिया था ना? हाँ सही नंबर दिया था। अच्छा क्या नंबर दिया है? 4736325 याद है मुझे। अरे भैलू गड़बड़ कर दी ना तुमने, लास्ट के दो डिजिट पे 25 नहीं 52 है। भैलू
सॉरी 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 भिड़े भाई सॉरी। लो मतलब ओटीपी किसी और के नंबर पर चला गया। हाँ भिड़े अंकल गलत नंबर देते हो। ये गोया मैंने थोड़ी दिया है गलत नंबर, इसलिए दिया है ना। हाँ गोली। भिड़े भाई वो डिलीवरी वाला सुन रहा है। हाँ हाँ सुन रहे स्पीकर पे। बोलो बोलो। पार्सल वाले भैया पार्सल दे दो ना। इस बार हमसे गलती हो गई, अभी दोबारा गलती नहीं होगी, बस दे दो ना। हाँ दे दो ना। लाइए लाइए पार्सल लाइए। अरे लाइए ना। अरे अरे उत्तर ठीक कर रहे, ठंड रख उत्तर। मुझे ओटीपी चाहिए, उसके बिना नहीं दूंगा पार्सल। अरे वो गोली breathe breathe I can't गोगी, मुझे पेड़े की खुशबू आ रही है। अरे लेकिन किसी और के नंबर पे गया हुआ ओटीपी मैं कैसे दे सकता हूँ। पार्सल भेजने वाले ने जब बोल दिया कि पार्सल हमारा है तो दे दो। हाँ वो सब मुझे नहीं मालूम है, कंपनी की पॉलिसी है नो ओटीपी नो पार्सल। अरे तुम भी कमाल कर रहे हो दोस्त, बड़ा जिद्दी है यार। अरे भिड़ो भाई इतना टेंशन मत लो। अरे सुंदर यहाँ पे ओटीपी के बगैर ये पार्सल नहीं दे रहा है, यहाँ पे पेड़े खाने के लिए गोया उतावला हो रहा है और तुम बोल रहे टेंशन नहीं लो। भिड़ो भाई मुझे हंसू आइडिया आया है। पहलू ने जो गलत कपड़ा डाला है ना उसके ऊपर आप कॉल करो और उसके पास से ओटीपी ले लो। सिंपल। अरे आइडिया देने के लिए थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है भिड़ो भाई है। चलो मैं फोन रखता हूँ, मेरी सेव खमड़ी मेरा इंतजार कर रही है, आओ जो। अरे अरे फोन नंबर पे फोन कीजिए, उससे ओटीपी मांगे ताकि इससे हम वो पेड़े ले पाए। अरे ये गोरिया ऐसे किसी को भी फोन करके मैं ओटीपी कैसे मांग सकता हूँ। ओ कोमल बॉबी समझो ना बेबी ला। बेबी भिड़े भाई इज राइट, ऐसे अनजान इंसान को हम लोग फोन पे ओटीपी थोड़ी मांग सकते, वो थोड़ी देंगे। ओ यारो ये तो पंगे पे पंगा पे आ गया। तो फिर क्या करे? एक काम करिए, आप लोग सोच के रखिए क्या करना है, मैं बाकी के डिलीवरीज करके आता हूँ वरना कंपनी मुझे नौकरी से निकाल देगी। मैं बाद में आता हूँ। यहीं पे रुकिए जल्दी से फोन करके पेड़े लीजिए ना, मतलब ओटीपी लीजिए ना प्लीज। अरे लेता हूँ लेता हूँ। और वो याद है ना लास्ट की जो दो डिजिट है उसको ऊपर नीचे करना है, भूलना नहीं है। बोलिया मुझे ही सिखाओगे? नहीं आपने तो बोला है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती है। अरे यू आर राइट बेबी। थैंक यू मामा। भिड़े अंकल पहले राइट कॉलर पे चेक करना। अरे भिड़े अंकल मेरा मतलब है कि मोबाइल के राइट कॉलर एप्लीकेशन पे चेक करना कि नंबर किसका है। हाँ। तो टप्पू बेटा तुझे बोलना पड़ेगा एप्लीकेशन, भिड़े अंकल को ये सब नहीं पता होता है। हाँ इसको सब पता होता है। अरे भाई मेरे फोन में तो एप्लीकेशन डाउनलोडेड है राइट कॉलर। ये नेटवर्क ही नहीं है, नेटवर्क गायब हो गया। भिड़े अंकल क्या बहाने बना रहे हो? अरे बहाना क्यों बनाऊंगा मैं, चेक करो। नेटवर्क है ही नहीं। अरे क्या लग यून पर तुम्हारे मानु से मिला? अरे ना ये नेटवर्क ए मिल गया मिल गया मिल गया मिल गया। अरे चला गया दो दो चला गया भी चला गया मिला ए मिल गया मिल गया दे दो जल्दी चलो अल्लाह लगा लगा फोन लगा। अरे नेटवर्क नहीं है तो नहीं है ना भाई, क्या प्रॉब्लम? हाँ एक मिनट देखता हूँ। ये तो जोराव सिंह का नंबर है। तू जानता है उसे? नहीं। तो डर क्यों रहा? अरे जिसका नाम ही जोरावर हो तो पता नहीं इंसान कैसा होगा। ओए पिडू और तू डर मत, और तू लगा फोन, मैं हूं ना तेरे पीछे। अरे भाई ओटीपी में उन्हें भड़क उड़क गया वो तो, मैं नहीं करने वाला। अरे
अरे क्यों नहीं करेगा तू फोन? अरे भाई पार्सल सोसाइटी के नाम पे आया है, तू सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी है, तेरा नंबर दिया गया है, तो फोन तो तू ही करेगा ना? ओ, करेक्ट है जी। कीजिए कीजिए भिड़े अंकल। अरे जो करना है जल्दी कीजिए वरना मैं जा रहा हूँ। प्लीज प्लीज। अरे हो केड़े साठी भेड़े झाले नुसते। दोस्तों कितनी खुशी की बात है कि हमारी दया भाभी ने हम सबके लिए प्रसाद भेजा, साथ में एक प्यारा सा मैसेज भी भेजा है कि वो बहुत जल्द वापस आने वाली है। लेकिन मुसीबत ये है कि बिना ओटीपी के छोटू हमें पार्सल देगा नहीं, और ओटीपी वो हमारे पास है नहीं। अंदर और उसके दोस्तों के काम ना अनोखे होते हैं। तो पार्सल वाले को गलत नंबर दे दिया, और ओटीपी जिस मोबाइल नंबर पर गया है ना उसका नाम है जोरावर सिंह। जी हाँ, नाम सुनकर ही खतरनाक और जोरदार किस्म का इंसान लगा। पता नहीं ये कौन है, कैसा है, हमें ओटीपी देगा या नहीं देगा। और अगर ओटीपी नहीं दिया तो दया भाभी ने इतने प्यार से जो प्रसाद भेजा है हमारे लिए वो हमें नहीं मिलेगा। क्या लगता है कि जोरावर सिंह सीधा आदमी होगा या फिर टेढ़ा? हमें ओटीपी देगा या नहीं देगा, या फिर हमें कोई हंगामा खड़ा करना पड़ेगा? हमें दया भाभी का भेजा हुआ प्रसाद मिलेगा या नहीं मिलेगा? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे अगले एपिसोड में। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। मैं आत्मानंद तुकाराम भिड़े बात कर रहा हूँ, कोकुलम सोसाइटी का एक में सेक्रेटरी। क्या मेरी बात मिस्टर जोरावर सिंह से हो रही है? आप बोलिए, क्या बात है? क्या है, पार्सल भेजने वाले ने ना गलती से मेरे मोबाइल नंबर की जगह आपका मोबाइल नंबर दे दिया है। क्या है, आपके और मेरे मोबाइल नंबर में ना सिर्फ 2 डिजिट का डिफरेंस है, मतलब लास्ट में आपका 25 है और मेरा 52 है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके नंबर पे ओटीपी आया है? तुम्हें पता है तुमने किसे फोन किया है? हाँ, आप जोरावर सिंह ही बात कर रहे हैं ना? सिर्फ जोरावर सिंह नहीं, पुलिस कमिश्नर जोरावर सिंह।